संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जी विचरे हमारे ध्यान में। शुभ परिणामाधिकार कल आरंभ किया था, इसकी दो गाथाएं चली थी, उनकी संस्कृत टीका अपन को चलानी है। जब हम ये कहते हैं कि चार गति और 84 लाख योनि में जीव ने अनादिकाल से आज तक अनंत दुख उठाए हैं, पर ऐसा वाक्य सैकड़ों दफर बोलते हैं। जब ये कहते हैं चार गति और 84 लाख योनियों में, उस समय न मालूम हमारे उपयोग में ये रहता है कि नहीं है। चार गति में देव गति भी होती है और देव गति में स्वर्ग भी होते हैं और सर्वार सिद्धि भी आ गई और चक्रवर्ती भी होते हैं। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि चार गति और 84 लाख योनियों में भी सब आ जाते ना, चक्रवर्ती की योनि भी आ जाती है और देवों की योनियां भी आ जाती हैं। तो हम सब में दुख ही दुख की बात कर रहे हैं, ये हमारे ख्याल में नहीं होता है, क्योंकि निरंतर हमारे उपयोग में वो सुरक की कामना बसी ही रहती है। और जैसे मैंने कल भी कहा था, दो दिन पहले भी कहा था कि मैं अपने ही भाषण के व्याख्यानों में ऐसे वाक्यों को सुनता हूं जिसमें उसकी ध्वनि दिखाई देती है। एक वो भी तर्क है, बहुत पुराना, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि जब तक इंतजार करना है तब तक धूप में खड़े रहने की बजाय छाया में खड़े रहना अच्छा है, कहते हैं ना। और इस तरह से कि जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलना है, मिल रहा है, तब तक हमको नरक की अपेक्षा स्वर्ग में रह लेना अच्छा है। मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? तो नहीं, नहीं, वो तो जब नक्की होगा ना हमारे भाग्य में तभी मिलेगा ना, तब तक तो संसार में रहना ही पड़ेगा। जब मोक्ष हमारा सुनिश्चित है तो यहाँ मोक्ष को तो सुनिश्चित मान लेते हैं, तो फिर वे संसार में जहां रहना है वहां भी वो नक्की नहीं है, तो फिर उसकी फिक्र तू क्या क्यों करता है? जो उसमें सुख बुद्धि और भोग की कामना अकेले वो समय काटने जैसी बात नहीं है, बात इतनी तक नहीं है। क्या उनने जो उदाहरण दिया है आचार्यों का, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, होगा तो ऐसा ही, लेकिन उसमें भोग में सुख बुद्धि वाली बात है। बहुत गहराई से इस प्रकरण को आप पढ़ो, ये गाथाओं का पाठ होता है, इन्हें ध्यान से सुनो तो आपको ये उपयोग में ये बात आएगी। क्या कि वो जो कह रहे हैं कि चक्रवर्ती हैं, इंद्र हैं, वो 5 इंद्रियों के विषयों में निरंतर लगे रहते हैं, यदि दुख नहीं हो तो इस विषय में व्यापार हो सकता नहीं, है ना। ये कहते उनमें जो व्यापार है हो रहा है, वो जो वर्णन जिस तरह प्रकार का आता है और हम करते हैं, वो तो सुख बुद्धि पूर्वक ही आता है। जैसा समय दृष्टि का सुख बुद्धि पूर्वक नहीं होता है, वैसा नहीं आता, इस रूप में नहीं करते हम। क्या जितनी जितनी भोग सामग्री का वर्णन करते हैं, 96,000 कितने जो पत्नियां, 84 लाख घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, ये सब हम बिल्कुल उसमें सुख बुद्धि जैसी ही बात करते हैं।
मैंने कई दफे सभा में ये भी कहा है कि यदि हमारे पास एक की जगह चार गाड़ियां हुई तो हम बैठेंगे तो एक में ही, तीन तो खड़ी रहेंगी। हमारे पास 10 मकान हुए तो हम रहेंगे तो एक में ही, 9 तो खाली ही रहेंगे और उनका टैक्स वगैरह उनकी जो भी है वो सब निश्चित रूप से लगेंगे, माने हमारा खर्चा भी जाएगा और वो पुराने भी पड़ेंगे। आजकल तो भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा लेकिन वो चीज पुरानी पड़ेगी ना, वो चीज आउट ऑफ डेट हो जाएगी, नई डिजाइन आ जाएगी मकान की, तो वो तुम्हारा मकान कोई इसलिए नहीं खरीदेगा कि 25 साल पुराना है और उसमें जैसे लैट्रिन बाथरूम बनना चाहिए थे वैसे नहीं बने, जैसे कमरे बनना चाहिए वैसे नहीं बने, वो सब वो पुराना पड़ जाएगा। माने वो संपत्ति की अधिकता कितनी निरर्थक है, ये बात बहुत बहुत आने पर भी हमारी बुद्धि में वो बात कहीं से आती नहीं है और फिर वही वही बात आ जाती है लौट फिर करके उनसी कि भाई जब तक। ठीक है, हमको तो एक सेकंड भी नहीं रहना है, और जब हमको जो हमारा रहना जहाँ रहना होगा वहाँ रहना ही पड़ेगा, ये हमें स्वीकृत होगा तो उसमें मोक्ष भी स्वीकृत होगा और संसार भी स्वीकृत होगा। जिस गति में जिस पर्याय में जितने काल, वो हमारा चुनाव की बात कहाँ रही, हमने कहाँ चुनाव से। सवाल तो है कि तुम जो चुन रहे हो तुम मत चुनो, फिर जो भी होगा भोगना तो तुमको वो भी पड़ेगा, नरक होगा तो नरक भी और स्वर्ग होगा तो स्वर्ग भी। राजा सैनिक सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई थी और उन्हें नरकायु का बंध हो गया था और वो समझ लिए कि वो गतिबंध नहीं छूटता है ना, आयु का आकर्षण हो जाता है फिर गतिबंध नहीं छूटता है, तो ये सब उनको नक्की था। तो उन सम्य दृष्टि को ऐसा नक्की होता है ना कि जो होगा क्रम में वो तो भोगना ही होगा, तो उनको भी स्वीकृत होगा ना, तो स्वर्ग की बात क्यों कहते हो। तो नरक में भी है, मतलब दुख के मामले में भी वैसा ही है। और आज ही फिर कल मैंने इतना बोला था और आज फिर मैंने सुना, ध्यान नहीं, अगर क्या बताता हूं मैं क्या सुना कि हमको इसमें ये तो कर ही लेना चाहिए, ये तो कर ही लेना चाहिए, ये इसका तो हमको करना ही चाहिए, माने वो करना वाला विकल्प टूट के जो कुछ होना है वो होगा, और करना तो बाली जेंद्र में भाषा ही नहीं है, यदि वो होना भी है तो हमें आत्म कल्याण की बात होना चाहिए। फिर हम इस बात पे आ जाते हैं कि हमको ध्यान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, फिर लौट फिर के सदाचारी जीवन तो होना ही चाहिए, मतलब उसके बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो सम्यक दर्शन जो सिर्फ त्रिकाली ध्रुव भगवान में अपनेपन का नाम है, वो उसके साथ इतनी इतनी चीजें जुड़ती जाती है और हम उनके साथ हम महिमावंत होते जाते हैं, क्या उसका व्यवहार सही होना चाहिए, उसका ये सही होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए, उसका खान पान सही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खान पान बुरा होना चाहिए, इसका मैं पक्ष बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो सम्मा दर्शन के साथ वो हम इतनी शर्तें जोड़ते जा रहे हैं वो एकदम गलत है। और आदत तो इसी भाषा में आ गया ना कि हो गई सम्मा दर्शन होगा तो वो उसके ऐसा सदाचार जीवन में नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। आज सुबह के ही प्रचंड में मेरे में आया था ना उसने टीवी पर कि वो बेहोश हो गया लड़का, है ना, किसकी बात थी, पवन जय की है, होश में आया तो अंजना 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 बोलता है,
आज का कोई लड़का ऐसा करेगा तो उसके बाप कहे मैं एक चांटा मारूंगा, पर उसके उसको प्रेम से समझाएगा कौन। लेकिन वो तो उसमें से सम्यक दर्शन निकाला था, है पता, सम्यक दर्शन निकाला था, मैंने सम्यक दृष्टि भी ऐसी परिणति हो सकती है। लेकिन वो ये कहता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। यदि कोई ये कह देता कि उसकी शादी नहीं सगाई हो गई है तो एक सेकंड में उसका विकल्प टूट जाता है। अब हमें इतना अंतर समझ में नहीं, इतनी तीव्रता तो हमें स्वीकार है क्या, बेहोश हो तक हो जाए, लेकिन अनीति के भोग में इतना स्वीकार नहीं है कि नहीं होगा तो हम कोशिश करके तोड़वा दें उसकी सगाई, अपने यहाँ अपन किसी तरह से करा लें, लोभ देकर कुछ ना कुछ करके कुछ तरकीब लगा करके। आजकल बहुत लोग तरकीबों वाले हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम उन मर्यादाओं को क्यों नहीं पहचानते हैं। सारा चरणानियोग उसका नाम है कि सम्यक दृष्टि के आचरण का नाम चौथे गुण स्थान की भूमिका है। अथवा दो कषायों का अभाव जिसके हो गया है, ऐसा अनुवृत्ति है जो वास्तविक, तो उसका बाह्य आचरण कैसा होता है वो उसके अनुसार होता है, वो है ऐसे, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए, ना चाहिए है ना पड़ा है ना कुछ है, वस्तु स्थिति। पढ़ने पढ़ाने में जितना आया और बारहवीं पाठमालाओं से लेके ऊपर तक उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अभी हम वहां नहीं है, अभी हम अपने अंतिम क्षणों में हैं। अंतिम क्षणों में हम ऐसा नहीं सोच सकते, अंतिम क्षणों में वो तत्व ज्ञान नहीं है क्या, कि वो इतनी इतनी शर्तें 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 हम उसमें उसमें जोड़ते जाए। वो अच्छी बात है, हम क्या समझते हैं कि कोई भी बहाने से अच्छे काम की प्रेरणा दी ना हमने, अच्छा हमने कही ये तो नहीं कहा कि रात्रि भोजन करना, नहीं करने की प्रेरणा दी ना हमने, वो चीज नहीं खाने की प्रेरणा दी ना, जब ये बात हो जाती है कि उस भूमिका के योग्य ही आचरण होगा तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। हम वो समझें यदि हमें समझना है तो, अन्यथा हम उस भूमिका को प्राप्त करें तो अपने आप वो हो जाएगा। देखो जब यह आत्मा दुख की साधन भूत देश रूप और इंद्रिय विषय की अनुराग रूप अशुभोपयोग, अशुभ उपयोग की भूमिका कौन कौन सी है, एक देश और एक अशुभोपयोग है ना, देखा एक देश और एक इंद्रिय विषय का अनुराग, दो हुए ना, एक देश और एक अशुभ राग का उल्लंघन करके देव गुरु यति की पूजा दान शील और उपवासादि के प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, तब वह इंद्रिय सुख की साधन भूत शुभोपयोग की भूमिका में आरूढ़ कहलाता है। कि जब पांच इंद्रियों के विषयों को भी छोड़ दिया और क्रोध मान कसायों को भी छोड़ दिया, कसाय विषय और कसाय हो गए, देश कहकर कसाई की बात की और इंद्रिय की विषय भूत सामग्री कहकर विषय की बात की, मान विषय कसाय को छोड़कर धर्मानुराग जिसमें देव साज गुरु की पूजा मुख्य है, दान मुख्य है, शील और उपवास आदि ये सब मुख्य हैं, इनके अनुराग रूप जो जो स्वभाव हैं, अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल विशुद्ध वही धर्म है जिनकी हम प्रेरणा देते हैं, और जिन जो चीजें यदि किसी में हो जाए तो हम उसको बहुत भाग्यशाली मानते हैं और बहुत प्रशंसा योग्य मानते हैं, प्रशंसा उसकी करते हैं। वह इंद्रिय सुख की साधन भूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है। वो क्या हुआ, तो वो कहते हैं हमने तो कह दी कि वो पांच इंद्रिय के भोग से भी छूट गया और देश रूप कसाय से भी छूट गया, लेकिन अब जो ये करेगा देव पूजा आदि के भाव होंगे तो इनसे बंधेगा क्या,
तो वो कहते ये पुण्य बनेगा और पुण्य से मिलेगा क्या, तो ये भोग सामग्री मिलेगी। तो भोग सामग्री का होगा क्या, तो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख की सामग्री है ना, तो इंद्रिय सुख को भोगेगा तो क्या बनेगा, पुण्य के पाप। अब कहाँ पहुंचा वो आगे, तो गाथा ऐसी आने वाली है जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि जब पुण्य के उदय वाले भी दुख भोगते हैं और पाप के उदय वाले भी दुख भोगते हैं, तो पुण्य पाप के दो भेद ही काय को किए, और उनके बंद होने वाले दो पुण्य और पाप क्यों किए, और शुभ अशुभ भाव भी दो क्यों किया, ये द्वैत खत्म करो। तीन द्वैत हो गए, पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव, आसमान है ना। तो वो कहते क्यों किया, क्योंकि इनने सिद्ध किया ना कि अशुभ में तो भोग नहीं मिलेंगे तो दुखी होगा, क्रोधादिक में और जो बहुत तकलीफें हो जाती है ना, युद्ध में तकलीफें होती है ना, झगड़ने में इनमें। अब वो जो जो भोग सामग्री सब मिल रही और भोग रहे, जिसके लिए सारा जगत तह करता है, तो सारा जगत नहीं हम भी उसमें शामिल हैं, हमें एक दफे गंभीरता से सोचना चाहिए, हम ऐसा टाल के कि ये तो दूसरों की बात हो रही है और ऊपर से टालते हैं क्या। तो कहते वो इतने इतनी तीव्रता से उनके पीछे पड़े हैं, तो वो इस बात का प्रतीक है कि वे बहुत दुखी हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं वो पुण्य के उदय वाले भोग सामग्री जिनको उपलब्ध है और भोग भोग रहे जो, वे भी दुखे हैं, दुखी हैं, और बाकी भी दूसरे तो दुखी हैं ही, तो क्या फर्क रह गया। मैंने सर कल परसों एक वाक्य कहा था, उससे ज्यादा व्याख्या नहीं करी, कि ऐसा कोई सुख बताओ कि जिसके पहले दुख नहीं हो और हमें वो सुख मिल जाए। यानी भूख का दुख होता है तो फिर खाने का मजा आता है, यदि भूख का दुख नहीं हो माने भूख नहीं लगे तो खाने वाला जो सुख है स्वाद लेने का वो मजा नहीं आता। अब ऐसे ही पांच इंद्रियों में देख लो, जब तक उसकी इच्छा प्रबल पहले ना हो जाए तब तक उसका विषय का मजा नहीं आता। तो इच्छा प्रबल हुआ तो वो कितना काल है, तो दुख तो हुआ उतने अधिक काल है, और वो सुख नाम हुआ वो मिनटों में खत्म। एक आदमी को कहने का भी मैं फलानी चीज बनवाओ मेरे खाने के लिए, खाने की इच्छा है तो उसकी इच्छा के अनुसार बन रही है। अब उसमें जो भी 8-10 घंटे लगेंगे, सारी तैयारी होगी, सब जुट गया, माने कोई बात कमी नहीं रहेगी, पुण्य के योग से समझ लो जुट गया सब, तो भी वो 10 घंटे तक का इंतजार वो सुख का काल है कि दुख का काल है। और फिर कहते कि नहीं फिर तुम सुबह ही खा लेते क्या, तो टाइम पे ही खबे गया, सबको आजान दो, ऐसा होने दो, ऐसा होने दो, तो उस दुख को भोगते अंत तक। वो तो हमारे शास्त्रों में ऐसा भी सिद्ध किया है कि फिर वो जो खाना आप खा रहे हैं तो खाते वक्त भी कोई सुख थोड़ी हो रहा, मीठा खाया तो एक ना जरा नमकीन लो मुख ठीक करने के लिए, माने मुख खराब हो गया ना उसका क्या अर्थ हुआ बोलो, फिर नमकीन के बाद मुख चरपरा हो गया तो कुछ मीठा खाओ। तो इस तरह वो दुख ही दुख तो है, उस सुख को तो खोजो, कौन सा क्षण है जब वो सुख हो गया। अब जब थोड़ा ज्यादा खा लिया तो पेट खाली नहीं होता, उसके भूख फिर वो दुख शुरू हो गया। तो वो कहते मुझे बताओ तो सुख कहाँ है। तो इस पुण्य को अलग करके स्वर्गों को इतना बढ़िया मान करके ये किया क्या हमने, ये पूरा प्रजनसार का ये प्रकरण सुखाधिकार और शुभ परिणामाधिकार इसी के लिए समर्पित है, इतना कहीं और ग्रंथों में नहीं मिलेगा। वही बात यह आत्मा इंद्रिय सुख के साधनभूत शुभोपयोग की सामर्थ्य से उसके अधिष्ठान भूत माने इंद्रिय सुख के आधारभूत त्रयंच मनुष्य और देवत्व की भूमिकाओं में से किसी एक भूमिका को प्राप्त करके
या तो तुरंत हो जाएगा भोग भूमिया, या देव हो जाएगा या मनुष्य हो जाएगा। उस गति में रहता है उस उतने समय तक अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। अब यहाँ तो ऐसा लिखा जैसे वो बता रहे हो आपको कि वो इंद्रिय के सुख मिलेंगे उसे, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है और तुमको उतना सुख तो मिलेगा ही। भाषा ऐसी लगती है जैसे हमें वो आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन आगे जब उसी की बात बताते कि वो जो सुख मिलेगा वो कहाँ मिल रहा है सुख, हमें तो उसमें सुख दिखाई देता ही नहीं है। यद्यपि तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जैसे इन गाथाओं का भाव तत्वदीपिका के अनुसार ही करते हैं, तथापि वे एकार्थवाची लगने वाले गुरु और यति शब्दों के भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इंद्रिय जय में शुद्धात्म स्वरूप लीनता में प्रयत्नशील साधु यति हैं। यति और गुरु लिखा ना, देव गुरु यति अर्चना, तो कहते गुरु व यति ये तो दोनों साधु के वाचक हैं, दो दफे क्यों लिखा? तो जैसे ने उसके अर्थ में अंतर किया कि जो आत्म साधना में यत्नशील हैं वे यति, यत्न माने प्रयत्न होता ना, इसलिए यति, और जो दीक्षा आदि देते हैं वे गुरु। वास्तव में तो आचार्य परमेश्वरी गुरु हैं, उपाध्याय परमेश्वरी गुरु हैं, वही पढ़ाने वाले दीक्षा शिक्षा देने वाले उनको ही गुरु कह रहे, फिर अपन तो सब गुरुओं को गुरु कह लेते हैं। जबकि उन्हें ऐसा बारीक बारीक भेद है, उन सामान्य वो साधु हैं, ये आचार्य और उपाध्याय गुरु हैं। इस लिखा है इसमें देखो, जिन दीक्षा देने वाले साधु गुरु हैं। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि देव गुरु यति की पूजा, आहार दाना दी, चार दान, आचार शास्त्रों में कहे गए शील व्रत और उपवासादी से प्रीति होना धर्मानुराग है। जो व्यक्ति द्वेष और विषयानुराग रूप अशुभ भाव को पार करके उक्त धर्मानुराग अंगीकार करता है वह शुभोपयोगी है। उक्त शुभोपयोग या शुभ भाव के फल में जीव को अनुकूलता से युक्त त्रिंज गति, त्रिंज गति लिखी है, लेकिन त्रिंज गति में निगोदिया भी है तो उन्हें शामिल मत कर लेना, मान जिन त्रिंजों को पुण्य के योग से अनुकूलता प्राप्त है, ऐसे मैंने बताया ना, भोग भूमिया है और अपने यहाँ भी ऐसे अपने घरों में नहीं होते। देखो कुत्ते बिल्ली तो जाने दो, उनकी चर्चा बहुत हो गई अमेरिका के लेकिन अपने घरों में भी अभी बम्बई में ऐसे गौशालाएं खुली हैं तो उनने एक एक गाय के ऊपर एक एक पंखा लगाया। अब कुछ लोग एक अपने गाय भैंसे जहाँ पाली जा रही गौशाला में उस कमरों को एयर कंडीशन बना रहे तो उनका पुण्य का योग है ना, ऐसा थोड़ी कोई बना देगा उन्हें, और उनमें के करोड़ों अरबों त्रंच हैं तो उन्हीं त्रंचों को खास बहुत लिमिटेड है ना, ऐसे समझ भोग भूमिया जैसे ही है कि उनको ऐसी सुविधा प्राप्त होती है, है ना। त्रंच गति जो अनुकूलता से युक्त त्रंच गति और मनुष्य गति और देव गति की प्राप्ति होती है, तो इन गतियों में आयु कर्म की स्थिति के अनुसार रहना होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित अल्पकाल में तक अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि शुभोपयोग स्वभाव के फल में इंद्रिय सुख अर्थात भोगों की प्राप्ति होती है। अब ये इंद्रिय सुख और भोग जो कह रहे ना, तो क्या भोग सामग्री प्राप्त होती है, भोग प्राप्त होते माने क्या? इंद्रिय सुख अपन कहते हैं वो भोग सामग्री प्राप्त हुई ना, जैसे अघात या कर्म रूप पुण्य का उदय हुआ तो भोग सामग्री प्राप्त होगी, फिर घात या कर्म का जब उदय होगा मोह का तो भोगने का भाव होगा, और जब भोगने का भाव होगा और भोग सामग्री होगी और उन दोनों का मतलब इसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया है, वेद वेदक भाव,
समकाल में नहीं होता कि जब भोग सामग्री होती है तो भोगने का भाव नहीं होता है, जब भोगने का भाव होता है तो भोग सामग्री नहीं होती है। कहते ना, जब चना थे जब दांत नहीं थे और जब दांत हुए तो चना नहीं है। कहते कहते कहने कहते तो उन दोनों का भी मिलान हो जाए, उसमें भी अलग अलग से पुण्य चाहिए, उन्हें प्राप्त होने के लिए वो अलग कर्म आएगा। ऐसा था ना कि अनुकूल संयोग है बाहर की, इनमें अघातिया कर्म का उदय निमित्त होता है और भोगने के भाव में घातिया कर्म का उदय निमित्त होगा। अब भोग भोग और भोगने का भाव तो पाप बंद का ही कारण है। यदि उपलब्ध भोगों को भोगते हैं, भोगने का भाव करते हैं तो पाप का बंद होता है। इस प्रकार सुख सा दिखने वाला इंद्रिय सुख वस्तुतः दुख ही है और दुख का ही कारण है। उक्त तथ्य का स्पष्टीकरण आचार्य देव स्वयं आगामी गाथाओं में विस्तार से करेंगे, अतः यहाँ कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा ना, ऐसी गाथा आएगी जिसमें ये सब बात खुद आचार्य के मुख से आने वाली है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि इन गाथाओं में और उनकी टीकाओं में साफ साफ लिखा है कि शुभोपयोग से इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है, किंतु इसी शुभोपयोग से धर्मानुकूल सामग्री भी तो प्राप्त होती है, उसकी चर्चा क्यों नहीं की? ये मैंने ही प्रश्न उठाया है, इसमें इसमें मूल में नहीं है। वो ये कह रहे हैं, हम ये बात कह के हमें जो भी भोग सामग्री प्राप्त होगी हमें, यदि हम उसे भोगेंगे तो फिर पाप बनेगा और त्यागेंगे तो पुण्य बनेगा, छोड़ेंगे तो पुण्य बनेगा ना, सब बाप का छोड़ने का भाव है ना, तो वो पुण्य बनेगा, तो पाप बनेगा तो फिर हम उल्टी लेन में चले गए। लेकिन त्याग देंगे तो पुण्य तो बन जाएगा, लेकिन फिर उसके मिलने का फायदा क्या? इस तरह कह के हम इसकी निरर्थकता सिद्ध करते हैं। तो जो उसके पक्ष वाला है वो ये कहता है, तो भाई साहब इससे हमको यही थोड़ी मिलता है, हमको धर्मानुकूल सामग्री भी तो इसी से मिलती है। पुण्य के उदय से समय शिखर की यात्रा का अवसर मिलता है, पुण्य के उदय से समोषण में जाने का मौका मिलता है, भगवान के दर्शन का मौका मिलता है, ऐसे मतलब महाविद्यालय में पढ़ने को मिलता है, एक ऐसा विषय पढ़ने के भाव होते हैं, ऐसे अध्यापक हमें मिलते हैं, ये सब ये भी तो पुण्य के उदय से ही मिली है ना, ये सामग्रियां भी, जिसको मैं अपने एक व्याख्यान में साथ ही सह पुण्य का उदय कहता हूँ। ये भोग सामग्री मिले वो पुण्य तो साधारण पुण्य है, और जिससे हमको भविष्य में धर्मान धर्म करने के साधन उपलब्ध हों वो भी तो पुण्य है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? तो इसमें इसके दो उत्तर दिए हैं, अभी पढ़ते हैं अपन। कि एक तो सीधा सच्चा ये है कि वे बहुत कम हैं, रेयर हैं, लाखों में एक जैसे हैं। क्या यानी वो जो कूड़ा करकट बहुत है और उसमें वो है वो बहुत कम है उपलब्ध है, एक तो, और दूसरे यदि वे उपलब्ध भी हुए वे साधन, माने आपको जैसे बहुत बढ़िया घर मिल गया और मंदिर बहुत बढ़िया मिल गया, धर्मशाला बहुत बढ़िया मिल गई, तो अब वो एक आपको धर्म का साधन मिल गया, एक ये हॉल मिल गया आपको बहुत बढ़िया, जहां पर बैठ के बढ़िया शांति से आप तत्व चर्चा कर लो, प्रवचन सुन लो, सुना लो, है ना, ये भी हमें उसी पुण्य के उदय से मिला है। तो इसमें कुंद कुंद की मूल गाथा है धम्मम भोग निमित्तम, कि हमको धर्म के साधन भी मिलते हैं तो उनसे भी हम लौकिक सुख का ही उपभोग करने की कोशिश करते हैं। हमने ये सारे सब सुविधा जुटाई है ना इधर, कि अपन लोग बैठे हैं, सुने आप, शांति से सुने, आपको गर्मी नहीं लगे हैं, तो फिर आप जब रात को आगे यहां सो जाते हैं तो पंखा चलाते कि नहीं चलाते?
कुछ खेलने लगते हैं। मुझे ज्यादा पता नहीं है तुम लोगों का, आप ये समझ लोगे एक क्लास लगी प्रवचन सुना, इसके अलावा जो भी आप इसका उपयोग करते होंगे तो वो क्या है, तो वो जो धर्म सामग्री मिली है उसका भी हम उपभोग करते हैं। हम शिखर जी जाने के लिए हमको किराए के पैसे मिले, मतलब पुण्य के योग से किसी ने दिए नहीं, कह रहा हूं मैं, तो हम साथ में कलकत्ता हो आते हैं, वहां से घूम आते हैं, विषय भोग का भी पूर्ति कर लेते हैं ना। मेरे कहने का अर्थ है कि उस धर्म सामग्री को हम भोग सामग्री के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए होड़ लग गई है तीर्थों पर, बिल्कुल एसी कमरे बनाना, और अब तो ये भी आ गई हरेक में एक टीवी भी लगा देना, क्योंकि लोगों को वहां पर आए तो फिर 10-20 दिन रुक सकते हैं, वो कहते हैं और यदि यहाँ आएंगे ऐसे ही मिलेंगे रुके रुके तो चले जाएंगे, तो यात्री आके रुके, समझे ना, इसके लिए उन्हें सब सुविधा घर जैसी जुटा दो, तो सब चीजें जुटा दें, फिर भी रुकते तो है नहीं, आप समझे ना, फिर भी वो आकर के रुकते नहीं है, है? और फिर यात्रा पे जाते ही नहीं है, बहुत कम जाते हैं, और राग द्वेष की ही बातें चलती हैं, झगड़ा वहीं ऊपर भी वहीं होते हैं, केस वहां चलते हैं। अब देखिए खूब करोड़ों रुपया दे दिया, सब मुकदमेबाजी में जा रहा है, किसी किसी के पास जा रहा है, कैसे आतंकवादियों के पास जा रहा है, क्या क्या, माने वो हम किन किन कामों में हमारा उपयोग हो जाता, जो जिस असली जिस काम के लिए बनाए वो तो बहुत कम होता है। कोई आएंगे तो वे लोग यहाँ स्वाध्याय करेंगे, अब वो घर पे बैठ के स्वाध्याय नहीं कर पाएगा, यहाँ आकर के यहाँ बैठ के स्वाध्याय करेगा, क्यों, यहाँ आएगा तो यात्रा करने जाएगा, ऊपर जाएगा, ये करेगा, सब देखेगा, और फिर जाते जाने में रुकेगा नहीं, चला जाएगा चला जाएगा। ऐसा एक दो दिन बैठ के ऐसा कर लेने से धर्म का हो जाएगा, वो धर्म का स्वरूप समझ जाएगा। आज जो भी चारों तरफ देख लो, जो भी स्थितियां हैं, वह किसने कितने एक दो आदमी बताओ कि मुझे, मैंने सम्मेलन शिखर में कि मैंने फला महावीर जी में कि मैंने वहां पर जाकर के मुझे धर्म की रुचि हुई और मैंने धर्म सीखा, मैंने स्वाध्याय किया, एक शास्त्र वहीं पढ़ा था, ऐसा कोई मिले नहीं मिले। यानी हम धर्म के नाम पर इन भोग सामग्रियों को इकट्ठा करते जाते हैं निरंतर, है ना, और उसी में हमारा सारा उपयोग भ्रष्ट होता जाता है। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, पहली बात तो यह है, मिल गई, कि बंध का कारण भूत शुभोपयोग धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो कर्म बंधन से मुक्ति के कारण रूप शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति ही है। अब शुभ और अशुभ भाव रूप अशुद्धोपयोग से विरक्त करने के लिए उसी बात पर बल देना आवश्यक था, इसलिए हमने ये बात कही। क्या कही, बोलो क्या है? इन तीन पंक्तियों का क्या अर्थ है, पहली बात का क्या अर्थ है, कि हमको तुम्हें ये समझाना था कि तुम्हारी शुभ भाव में से रुचि हटे, इसलिए हमने ये कहा कि ये भोग सामग्री तुम्हें मिलेगी तो उसे तुम भोगोगे तो पाप बंधेगा। इस पे ही वजन क्यों दिया, क्योंकि हमें तुम्हें इससे हटाना है, तुम्हें इससे तुम्हें धर्म की सामग्री भी मिल जाएगी, तुम ऐसा भी हो जाएगा, तो फिर तो लोभ देना हो गया ना, फिर उस शुभ भाव से, उस शुभ भाव से अरुचि कराने के लिए ये शुभ भावाधिकार है। शुभ भाव तुम खूब करो, ये देव गुरु यति अर्चना और दान शुभ भाव आदि में ये जो गाथा है, ये तुम दान करो, देव गुरु की पूजा करो, इसकी प्रेरणा देने के लिए गाथा नहीं लिखी। इसमें जो शुभ भाव होगा वो धर्म नहीं है, ये समझाने के लिए ये गाथा लिखी है, ये कहते जाता अंतर समझ में आया कि नहीं है, भाषा वैसी है, लेकिन आगे जो उसकी टीकाएं है ना, और टीकाओं में उन्होंने जो भाव खोला है और आगे जो क्रम बनता है
और अंत में वो निष्कर्ष आपसे मांगते हैं। क्या निष्कर्ष मांगते हैं? कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात है संसार सागर में भ्रमे मन भूए से आचन। माने ये निष्कर्ष पे तुम्हें पहुंचाने के लिए ये बात कर रहे हैं, इसमें रस पैदा करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें पन्न बंधेगा अच्छा होगा तो ठीक है अब कल से तुम पूजा। अब यहाँ पर जो भी पंडित इस गाथा को पढ़ेगा, पंडित मुनिराज भी पंडित ही हैं, जो जाने समझदार हों शास्त्र का अध्ययन करने वाले हों सब पंडित हैं, तो वे सब यही प्रेरणा देते मिलेंगे कि जिस देव गुरु की पूजा देखो लिखा लिखी ना, देव गुरु साहिब गुरु पूजा लिखी ना, और फिर एक घंटे तक भाषण पूजा करना चाहिए, ऐसी करना चाहिए, जितने ज्यादा करना चाहिए उतने जाना चाहिए, फिर आठ आठ घंटा पूजा पूजा लग रही है बराबर, अरग पे अरग अरग पे अरग है, क्यों साहब? एक दो बाहुबली थे जो वे परमावश्यक में लग गए थे आत्मा के ध्यान में, तो उन्हें छह आवश्यक से छुट्टी मिल गई थी ना, सदुपयोग में लग गए ध्यान में खड़े ही रहे, तो उन्हें छह आवश्यक नहीं पाले, मुनियों के जो आवश्यक होते हैं प्रतिदिन पालने लायक है, पर यह हमको मिल जाती है उस दिन, दिन भर पूजा ही करेगी तो सब बाकी के आवश्यक एक जगह रखेगा। ये सब बात सब काम बैलेंस होना चाहिए ना, हमको अपना जीवन धर्ममय बनाना है, और जब तक मोक्ष नहीं होगा तो उसमें स्वभावमय भी रहेगा वो, लेकिन हर एक चीज में बैलेंस तो होना चाहिए। पर इसमें एक आगे ये लिखा है स्पष्ट कि असलियत में धर्म सामग्री तो सिर्फ एक है, वो क्या है जिन्होंने लिखा है शास्त्र का स्वाध्याय पढ़ता हूं, आ जाएगा अभी, एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है, एक बात को क्या हुई कि ये बहुत ज्यादा है इंद्रिय विश्वास इंद्रिय के भोगों की बात की, और धर्म सामग्री मिलेगी वो बहुत कम है तो उसकी उपेक्षा की, और हमें तुम्हारे स्वभाव का रस छुड़ाना है इसलिए हमने ऐसा किया। अब दूसरा दूसरी बात यह भी तो है कि इंद्रिय सुखों की प्राप्ति की तुलना में धर्मानुकूलता की प्राप्ति नगण्य सी ही है, अनंत जीवों को तो भोग सामग्री ही अकेली उपलब्ध होती है, यदि उन्हें कदाचित धर्म सामग्री भी उपलब्ध हो जावे तो उसका भी भोग के रूप में ही उपयोग करते हैं। अभी आपको पता नहीं ये व्यापारी लोग एक वो कौन सा खाता कहलाता है दादा, वो गाँव में खोल लेते थे धर्म धर्मादा, धर्मादा का नाम तुमने सुना कि नहीं सुना? ये जो गल्ले के व्यापारी होंगे बुंदेलखंड के वो जानते होंगे, वो क्या करते हैं कि जितना माल बिकने आता है ना बाजार में, तो उनकी आड़त आड़त में माल लेते हैं और देते हैं, तो उनमें से आड़त काटते हैं, आड़त के साथ धर्मादा काटते हैं। धर्मादा माने धर्म करेंगे हम, इसके लिए कुछ पैसा एक रुपया सैकड़ा दो रुपया सैकड़ा ऐसा काट लेते हैं। कौन? गल्ले के व्यापारी, जो गल्ले की बड़ी बड़ी मंडियां हैं गुना है अशोक नगर ये सब बड़ी बड़ी मंडियां हैं, ये धर्मादा, धर्मादा का मतलब कि वो व्यापार के लिए आते हैं तो पैसा तो उनका नहीं है, पैसा तो किसका है जो माल बेचने आया था उसका है कि जिसने खरीदा है उसका है, क्योंकि तो दोनों में से कहीं ना कहीं मर गया उनमें वो भाव, जिसने खरीदा है उसको उतना ज्यादा पैसे में मिला, इससे कम पैसे मिले, समझे ना, और बीच में उसने धर्मादा के नाम पर निकाल लिया। अब धर्मादा तीनों के हाथ में तो है नहीं, धर्मादा करना धर्मादा करना उसके हाथ में रह गए, यदि उसके पास लाखों दस दस बीस बीस लाख रुपया धर्मादा के इकट्ठे हुए, धर्मादा करते ही नहीं देते ही नहीं, और बस करते हैं तो चंदा देते हैं, जो चंदा लगता है ना अपने मंदिरों मंदिरों में और उससे अपनी नेतागिरी, तो वे काय को देंगे, धर्मादा क्या करेंगे, तो किसी नेता के चुनाव के खर्चे में दे देंगे, उसे चुनाव में खर्चा में पैसा देंगे तो उससे अपने दस काम निकालेंगे। अब वो धर्मादा और कह रहे इनने दान दिए, वो उनका सेठ जी का नाम लिखा जाएगा, वो धर्मादे का पैसा सब खर्च करेंगे और आगे सेठ जी में नाम लिखा है उनका, अभी भी चल रहा है सारे देश में, एक धर्मादा नाम का हर की रोकड़ में जाके देख लेना है?
तो वो कहते धर्म को भी फिर वो भोग में ही खर्च करते हैं। अच्छा तीसरा देखो, दो हो गया ना, अभव्य अज्ञानियों के संदर्भ में आचार्य कुंद लिखते हैं धम्मम भोग निमित्तम नदुतु कम खय निमित्तम, उनका धर्म भोग के लिए है, कर्म के खय का निमित्त नहीं है। अभव्यों का स्वभाव रूप धर्म भोगों का निमित्त है, कर्मों के क्षय का निमित्त नहीं है। ये मूल गाथा है आचार्य की। मुनि श्री पद्म फल मलधारी देव के नियम सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में 59 में कलश में कहा है सुकृतम अपि समस्तम भोगिनाम भोग मूलम, उनका सारा सुकृत अच्छा काम जीवन में जो हुआ है वो भी भोगियों के भोग का मूल है ना, समस्त शुभ कर्म भोगियों के भोग का मूल है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि अधिकांश शुभ भाव भोग सामग्री प्राप्त कराने वाले पुण्य को ही बांधते हैं। भगवान की देशना के अतिरिक्त, ये अलगाल भगवान की देशना के अतिरिक्त कोई धर्म सामग्री नहीं है। हम काय को धर्म सामग्री कहें, इस पंखा को धर्म सामग्री कहें, बोलो ये तुम नीचे दरी बिछी इसको धर्म सामग्री कहें, ये तो भोग सामग्री है, तो आपने घर में लगी हो जाए, यहां लगी हो, मंदिर में लगा लिए अपने पंखे, भगवान को गर्मी बहुत लगती होगी, क्यों तो कभी कोई पक्षी कट जाते हैं उनसे, यहां भी कोई पक्षी अंदर आ जाएंगे कट जाएंगे तो क्या करो। माने ये सब धर्म का पैसा इसमें लगा है ना, तो कोई भी आदमी हम धर्म का पैसे का उपयोग कर रहे हैं ये फील करता है क्या? तो आप हमें दे दिया, हमने तो मंदिर को दे दिया, तो मंदिर ने इसमें लगा दिया, लौट के ले लिया, क्योंकि हम ही तो हैं, तो जिनको दिया वे कौन है? हम ही है, जिनने दिया वो भी हम ही है। मैं समाज के ही लोग हैं ना, वे समाज के लोग चुन कर जाते हैं तो कमेटी बन जाती है, फिर वे कमेटी वाले लगाते हैं, हमने थोड़ी लगाए, तो कमेटी वालों को तुम चुनते हो, अंत तो गत्ता वो दुष्चक्र है, तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था नहीं करेंगे वे द्वारा तो तुम उन्हें वोट नहीं दोगे, तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था करेंगे तो तुम उन्हें वोट दोगे। माने वो धर्म भी लौट फिर के हमारे भोग का ही निमित्त बनता है। अतः 6 माह और 8 समय में सुनो, वो कहते हैं कौन सा बोलते हैं धर्मोपदेश, 6 माह और 8 समय में अनंत जीवों में 608 जीव ही ऐसे रहे हैं कि जिन्हें शुभोपयोग के फल में देशना लब्धि प्राप्त होती है, शेष को तो मिली ना मिली के बराबर ही है। समझ गए, वे भी बगीचा घूम घाम के आ जाते हैं भगवान के समोसरण में भी। 608 जी उनको जो देशना मिलेगी वो धर्म सामग्री है, वो धर्म का उपयोग हुआ पैसा। आखिर उसे ही तो धर्म सामग्री कहा जाएगा जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म की प्राप्ति हो, जिससे उक्त धर्म की प्राप्ति ना हो और जो हमारे मानादिक के पोषण का निमित्त बने उसे धर्म सामग्री भी तो कैसे कहा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि वास्तविक धर्म की प्राप्ति के लिए पुण्योदय से प्राप्त होने वाली सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति में पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, अपितु पर का त्याग ही अभीष्ट है। यह तो सुनिश्चित ही है कि निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति आत्मा के आश्रय से ही होती है, पर के आश्रय से भी नहीं, तो पर के सहयोग की बात ही कहाँ है, जरूरत ही नहीं है अपनी धर्म के लिए। देश के लिए मुनिराज सब छोड़ छाड़ के वो जंगल में क्यों चले गए? अगले मुनिराज ही थोड़ी गए, हमारे सब तीर्थंकर भी तो चले गए, क्योंकि यहाँ जिस सामग्री को तुम भोग धर्म की सामग्री कह रहे वो भी सब ऐसी भोगी सामग्री है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। 69 और 70 गाथा के में स्वभाव से इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है यह कहने के उपरांत 71 गाथा में यह बताते हैं
कि शुभ उपयोग के फल में प्राप्त होने वाली देव गति में भी स्वाभाविक सुख नहीं है। जहाँ जो इंद्री सुख है वह सुख नहीं दुख ही है। अब यह सिद्ध करते हैं। अब मानो क्या कह रहे कि तुमने कुछ भी किया कि चलो है हम तो पहले कह दिया कोई ऐसा पुण्य पुण्य है ही नहीं कुछ ही नहीं। तो कह रहे देव गति में तो सुख है क्या फिर अंदर अंदर घुसा हुआ है ना। मैं कहता हूँ रोजाना निकलता है। अब यह सब जो जितने वक्ता हैं कम से कम जिनको मैं सुनता हूँ उस सबको सावधानी से बोलना पड़ेगा नहीं तो मैं रोज ही नहीं बोलूंगा। जो हमारी क्रमद पर्याय है जो हमारी विषयों में सुख बुद्धि है असली मुद्दे की चीजें हैं, हैं? वो जो बिल्कुल सब चीज सुनिश्चित है वो तो क्लियर रहनी चाहिए ना। उसके विरुद्ध तो कोई बात नहीं आना चाहिए कि नहीं व्यवहार से कहा है तो व्यवहार से कहा होगा। अब उतने व्यवहार से अपन अतीत हो गए। अब अपन उससे थोड़े मतलब समझ लो ऊपर चले गए। हम अभी वो बात नहीं करते रहेंगे। देखो वहां जो इंद्रिय सुख है वह सुख नहीं दुख ही है। अब यह कहते हैं समय तो हो गया तो अभी गाथा तो पढ़ लो पढ़ो। था क्या कह रहे देवों के भी स्वभाव सुख नहीं है। स्वाभाविक स्वभाव से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो नहीं है तो क्या क्यों क्या दुख है फिर बताओ तो देवों को क्या दुख है। तो कहते तन वेदना से दुखी उनको एक बीमारी नहीं है एक दवाई नहीं खानी पड़ती है। बरसों बाद तक भूख नहीं लगती है गले में से अमृत झरता है उससे ही भूख मिट जाती है। सब निरंतर भोग सामग्री निरंतर उपलब्ध है हैं? और आप शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो बिल्कुल पैदा होता है तो एकदम जवान और मरते के अंतिम समय तक वैसे ही जवान बना रहता है। खाना है ना कुछ नहीं है बुढ़ापा मुड़ापा उपसर्ग दुर्भिक्ष कुछ नहीं है हैं? जरा सी रुजायाम ये कुछ नहीं है। अब वो कहते हैं कि वे तन वेदना से दुखी है। अब क्या तन वेदना से दुखी है जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वे तन वेदना से दुखी हैं। अब ऐसी तन वेदना खोजो हमको आज तक किसी पंडित ने नहीं बताई लिखी तो इसमें है ये गाथा तो पढ़ी होगी ना शांति जी कि उन देवों के वो सर्वार सिद्धि के अहनंद्रों के उन सब देवों के ये कहते हैं तन वेदना से दुखी है। क्या तकलीफ होगी शरीर की ये मूल संस्कृत में है ना ते देह वेदनार्ता है ना पीछे गाता है ना ते देह वेदनठा रमन्ति विशेषुरम महेशु। तो कहते हैं तो देह वेदना है जब भोग की तीव्र आकांक्षा होना ये इसका नाम भी वेद नहीं है। वो वेद नहीं होती है जो हमको खाने की तीव्र इच्छा हुई वो वेदना ही है वो वेदना रूप ही है। स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण सब इंद्रियों के हिसाब से आप लगा क्या समझे ना है? हम उसे वेदना ही नहीं समझते। अच्छी भूख लगना तो बहुत बढ़िया चीज है लेकिन कोई बीमारी ही नहीं है वो तो बहुत स्वास्थ्य की निशानी है। ये लेकर के ऐसे ऐसे घंटों घंटों डंडा ले ले कूदते रहते हैं पहलवान ऐसे कूदते रहते हैं फिर ऐसे ऐसे देख देख करके और खुश होते हैं। तो वो जब कूदते हैं तो डंडा में दुख होता है कि सब दंड बैठक लगाते हैं और पसीना से तर बतर हो जाते हैं तो क्या होता है। और सुबह जैसे
घोड़े ऐसे दौड़ते हैं जो आईएएस ऑफिसर, जो घर से यहाँ से घर ऑफिस 10 कदम पे है, तो बिना गाड़ी के नहीं जा सकते। लोग क्या कहेंगे, पैदल आए साहब। वे सुबह 5 बजे उठ के 5 किलोमीटर टांगे के घोड़े जैसे दौड़ते हैं, और वो हाथ में कुछ ले लवा के भजन है, और पसीने से तर बतर हो जाते हैं, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वो तकलीफ हो रही उन्हें कि वो सुख हो रहा है। वो सबको सुख में गिनते हैं, इतना स्वस्थ है, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, बढ़िया है, इतना बढ़िया है, बढ़िया। ऐसे वे देव सब तन वेदना से दुखी है। जिनेन्द्र देव के उपदेश में यह सिद्ध ही है कि देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है, क्योंकि वे देव पंचेंद्री मय देह की वेदना से पीड़ित होने से रमणीक विषयों में रमते हैं। कि हमें तो हमारे मालूम पड़ता वे दुखी, कहते ये विषयों में रम रहे ये उस देखना वेदना का प्रमाण है। ये सिनेमा में बैठे हैं ना, टीवी देख रहे हैं ना फिल्म, तो ये दुखी हैं बहुत। ये दुखी नहीं है तो काय को देख रहे हैं? सोने का टाइम है सबका, रात के 12 बजे 1 बजे देख रहे, काय के लिए देख रहे? यानी जिन विषयों में इनकी प्रवृत्ति होती देखी जाती है वो इस बात का प्रूफ है कि वो वेदना है उन्हें। अब वो तन का भोग है तो तन वेदना है, वो हम उसको तन वेदना कहते हैं। अब ये कहने के बाद वो ये कहेंगे कि वो तन वेदना से वे दुखी हैं, और जितेंद्र दुखी हैं, नारकी दुखी हैं, सब दुखी हैं। तो ऐसा लगता है उसको इससे हम बहुत अटपटी बात कह रहे हैं, क्योंकि उसने उनको तो सुख मान रखा है आज तक, हम दुखी कहते हैं। लेकिन तुम 24 घंटा बोलते रहो ना, 4 गति 84 लाख योनियों में दुख भोगे, खुद बोल रहे ना, तुमने छेड़ा लगी ढाल पड़ रहे तो 4 गतियों के दुख पड़ रहे, क्लियर क्लियर। वहां किसी ने विरोध नहीं किया, वो आदिनाथ भगवान की जयमाला बोल रहे हैं तो 4 गति के माई मैं दुख पायो है घनो, हे आदिश्वर महाराज मेरी तू विनती सुनो, सुना रहे विनती। अब ऐसा कहते रहे, पर अभी मैं ये बात कह रहा हूं तो हमारे गले नहीं उतर रही, क्योंकि हम तो उनको सुख मान रहे थे सबको है? अब वे उसको अत्यंत वेदना बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से वृद्धता से उसमें लग रहे हैं, जिस तरह से अनुकूलता प्रतिकूलता देखे बिना कौन मर रहा जी रहा, घर में क्या परिस्थिति बन रही है, मेहमान आए हैं नहीं आए हैं, और वो तो उसे तो वो चाहिए ही। अभी तो मेरे टिकट आ गए थे, फिर मैं क्या करना, मुझे तो जाना ही था, मुझे तो जाना ही है। सम्मे सकर भी जाएगा तो वहां पर भी कोई शहर में जाएगा बगल के में, तो वहां भी सिनेमा देख के आएगा, आता क्या नहीं करता है निरंतर। तन वेदना से दुखी है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये गाथाएं रोजीना पढ़ लो, और 1 घंटा तक गाथाएं पढ़ते रहो, और फिर दूसरे दिन आगे फिर भी वही गाथाएं पढ़ो, और पूरी हो जाए तो फिर वही गाथाएं पढ़ो, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। उसमें सारी बात कितनी क्लियर लिखी है, और इतने स्पष्ट हिंदी में वो दी गई है। विचार करो आप गंभीरता से इसमें, तब आपको अंदर रस परिपाक होना चाहिए ना दादा। यदि रस परिपाक हो गया है तो क्यों निकलता है इसमें सुख बुद्धि की बात, क्यों निकलती है हमारे मुंह से, हमारे उपयोग में ऐसी बात क्यों आती है, नहीं आनी चाहिए। ये अपने हित की बात है, मतलब कि हमें फीलिंग होने चाहिए कि ये तन वेद, ये सारा जिनको हम सुख मान करके अनंत प्रयत्न कर रहे हैं और जिनको जोड़ रहे हैं, वे न सुख सामग्री नहीं है, और वो जो उससे मिलेगा वो सुख नहीं है, है? तो हम तो और आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं कि जो जिससे सुख मिलेगा वो ही सुख है। धन को ही सुख कहते हैं ना, गुजरात में जाओ तो इतने लोग सुखी हैं, मैंने पैसे वाले हैं तो उन्हें सुखी कहते हैं नहीं कहते, तो धन को ही सुख कहते हैं। और धन से सुख मिलेगा अलग ऐसा कोई नहीं, बस हमारे पास धन हो गया तो ही हम सुखी हैं। क्यों? क्यों उस धन से कुछ भोग भोगेंगे तो सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास धन है तो दुनिया में सुखी है कहने लगती है। अब दो विद्यालयों को सुखी कहने लगती है, इसमें गाथा में देखो, पढ़ो भाई गाथा, खत्म करते हैं।
इसी 71वीं गाथा का। उपदेश से है सिद्ध, क्या मतलब? भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि सिद्ध करो कि देवों को सुख नहीं है, देवों को सुख नहीं है, सिद्ध करो। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था, उपदेश से है सिद्ध। छह डाला में आया ना, पहली ढाल में वहां आया ना, तो उपदेश से है सिद्ध है बाप, हमको ऐसे सिद्ध करने नहीं जाएंगे तुमसे। उपदेश से है सिद्ध कि देवों के स्वाभाविक सुख नहीं है। अब इंद्रिय सुख है तो इंद्रिय सुख वो तन वेदना से दुखी हैं, तब वे इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति अत्यंत घिनावनी है, अत्यंत निंदनीय है। इसलिए कहते हैं कि वे दुखी हैं, सारे देवता से दुखी हैं। अभी उनको ये सिद्ध करना पड़ रहा कि स्वर्गों में भी दुख है। समझो किनको? जो स्वर्गों में सुख मानकर अब मैं समाधि मरण भी करूंगा तो कौन से स्वर्ग में जाऊंगा, इसकी कल्पना करके बैठे हैं। उन्हें स्वर्ग चाहिए, क्यों? और फिर नीचे का नहीं चाहिए, ऊपर का चाहिए, अगल का नहीं चाहिए, बगल का चाहिए, कहीं 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 का कुछ सुन लिया है, जहाँ का वहां उनकी कल्पना लोक में विचरण करते हैं, जबकि उनकी उस कल्पनाओं से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? कुछ मामला बिगड़ भले ही जाए लेकिन सुधरने वाला नहीं है, बिगड़ जाएगा। अरे नक्की है तो कैसे बिगड़ेगा, कैसे मान ली तूने कैसे बिगड़ जाएगा, बिगड़ेगा भी नहीं कुछ भी। जो नक्की है वो ही होना है ना, तो फिर एक सेकंड भी विकल्प क्यों आए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, इसके लिए थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी सिफारिश करो, ये करो वो करो ये करो, क्यों? ये सुखी होने के लिए हमने ये किया, मेरी सुनना बात, और फिर दुखी के दुखी है। दो ही दिन से गए ना, यानी नहीं सब कहना, सारे त्यागी तपस्वी जो अपने को मान रहे हैं सब छोड़ छोड़ के चले गए है ना, और सब नग्न दिगंबर हो गए, कोई जितने दिगंबर जैसे हो गए, जैसे हो गए ना, जो जैसे और हो गए, और फिर भी वही की वही दुख के दुख है, वही का वही दुख मौजूद है, फिर वही की वही ऐसा लगा है, फिर वही तो काय को छोड़ के आए। जब साफ 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 लिखा ना शास्त्रों में कि एक देव के कम से कम 32 देवांगनाएं तो है ही है, तो तुम्हें तो चाहिए नहीं ना पत्नी, क्यों क्यों नहीं, क्यों नहीं चाहिए? क्यों? तुमने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है ना, अभी छोड़ के आए ना घर में, तो तुम तो सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हें तो नरक की सोचना चाहिए, क्योंकि वह नहीं बताएगी। सोच भाई, ब्रह्मचर्य व्रत लिया है उसका क्या अर्थ है, बोलो मुझे बता। और लोग हंसते हैं, मेरी बात कहते हैं, सच्ची बात है ना, कि तो तुम जानते हो कि वहां जाके कम से कम 32 मिलेगी, तो तुम एक छोड़ के एक नहीं पसा रही तुम्हें, 32 के चक्कर में पड़ोगे, ऐसी जगह की भावना तुम्हारे मन में हुई सो हुई कैसे, नहीं होना चाहिए ना। यदि हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारा त्याग भी झूठा है, बुद्धू बना रहे दुनिया को।